यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुंच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। वोटिंग की तारीख जितनी तेजी से नजदीक आ रही है, उतनी ही तेजी से राजनीतिक पार्टियों का आरोपों का दौर बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता की और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में टैक्स को लूट का साधन बनाया है। बादल ने मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी को सही ढंग से लागू नहीं किया। जहां 18% टैक्स होना चाहिए, वहां जनता 28% टैक्स दे रही है। बादल ने नोट बंदी पर भी तीखे प्रहार करते हुए उन्हें कहा कि बंदी से देश को नुकसान हुआ है और बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी में जो भी दावे मोदी सरकार ने किए थे, उनमें से एक भी सच नहीं है। बादल ने शिवराज सरकार को किसानों को गुमराह करने वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों को रायसेन और मंदसौर में गोलियों से मारा और किसानों का कर्ज भी माफ नहीं किया। हमारी लड़ाई जो है, इकोनॉमिक लड़ाई है, वो चाइना से है, वो कोरिया से है, वो तुर्की से है, वो जापान से है, और ये मुद्दे हैं। मैं बहुत अच्छा, चाहे कितना अच्छा बोलता हूँ कोई, मैं चाहे प्राइम मिनिस्टर अवामी जलसों में कितनी भी बड़ी तकरीर कर लें, एक चीज आपको समझने की जरूरत है, कितना भी अच्छा बोलते हैं, चाहे एक भूखे बंदे को ये यकीन नहीं दिला सकते कि उसका पेट भरा हुआ है। अगर उसका पेट खाली है तो पेट खाली रहेगा, वो भर नहीं जाएगा जुमलों से। अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी 2 लाख तक का कर्जा माफ कर सकती है, तो मैं ये कह सकता हूँ फिर मध्य प्रदेश में भी कर सकती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुँच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकारी चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।
पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।